तो बीते दिनों ट्विटर ने ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से ब्लू टिक के पैसे देने पड़ेंगे और जिनके पास ब्लू टिक रहेगा उनको 900 रुपए प्रति माह देने होंगे। जिसके बाद 12 अप्रैल को एलन मस्क ने ये कहा कि 20 अप्रैल से पेमेंट नहीं करने वालों को ब्लू टिक हट जाएगा। जिसके बाद बता दें कि एलन के मुताबिक ये हुआ, ट्विटर ने पेमेंट न करने की वजह से एमपी के ऑफिशियल अकाउंट सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक हटा दिया और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई लोगों के अकाउंट पर अब ब्लू टिक नहीं दिखेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ऑफिस ऑफ शिवराज सिंह नाम से बने अकाउंट का ब्लू टिक ट्विटर ने हटा दिया और इसी के साथ बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब ब्लू टिक के लिए 900 रुपए प्रति माह देने होंगे, जिसके बाद अब ब्लू टिक मिलेगा। और साथ ही कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के अकाउंट पर भी अब ब्लू टिक नहीं दिखेगा। और इसी के साथ ट्विटर ने जिन लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है और इनके अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया गया। और इसी के साथ देश के मशहूर एक्टर और कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान के भी अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया और वापस ब्लू टिक लेने के लिए 900 रुपए प्रति माह देने होंगे। और साथ ही क्रिकेटर विराट कोहली का भी नाम ब्लू टिक हटने वाले लोगों में आता है। और इसी के साथ बता दें कि एलन मस्क के ट्विटर के मालिक बनने से पहले ट्विटर ने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहा, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।